अगर सामने पर रसगुल्ले रखे जाए तो खाने का मन हर किसी का करता है, वैसे ही कुछ सिचुएशन इस समय यहाँ पे है। तो काफल जब पके रखे हैं तो खाने का मन तो करेगा ही। तो देख सकते हैं आप, काफल तो पक गए हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड के इन हसीन पहाड़ में। इन पहाड़ किस रौनक भरे मौसम में तभी जा रहे हैं हम गौशाला की तरफ। मैं और साथ में दो बहनें हैं। पहले बकरी के बच्चों को निकालेंगे बाहर और उसके बाद जाएंगे जेंटा, जो हमने गेहूं का कट्टा रखा था वहाँ उसको भी लाना है हमने आज। गौशाला से अपना काम करके अभी जा रहे हैं हम जेंटा की तरफ। तो मैं हूँ और साथ में जो शर्माते हैं वही लोग हैं। और फिलहाल तो हाथ में रस्सी और दो वो क्या थैले रख के फिर जा रहे हम गेहूँ लेने। आज आसमान में पूरे बादल छाए हुए हैं तो गर्मी भी नहीं है, इसीलिए आज प्लान बना नहीं, तो हम सोच रहे कि अपना थोड़े खच्चरों में लाएंगे। लेकिन ठंडा है तो हम दोनों चलते हैं, ज़्यादा नहीं है, एक कट्टा है, मैंने एक बोरी गेहूँ की है। चावल तो हम ला गए थे उस दिन तीनों भाई बहन मिल के, और आज हम दो जा रहे हैं। तो देखते हैं कितना होता है, पहले यहाँ का मौसम बता दूँ मैं। मौसम आसमान में बादल लगे हुए हैं, धूप तो एक भी नहीं है। तो ये रहा कुछ मौसम इस प्रकार। तो मौसम ख़राब है, धूप तो है नहीं बिल्कुल भी नहीं। हम एक हफ्ते बाद यहाँ आ रहे हैं और यहाँ के काफलों के पेड़ पर काफल माने के पकने लगे हैं। वो रहा काफल का पेड़, और देख सकते हैं आप लाल लाल दाने आपको दिखाई दे रहे होंगे काफल के। तो काफल पकने वाले हैं, अगर आग नहीं लगेगी तो इस बार भी काफल ज़्यादा ही आएंगे। अगर सामने पर रसगुल्ले रखे जाए तो खाने का मन हर किसी का करता है, वैसे ही कुछ सिचुएशन इस समय यहाँ पर है। तो काफल जब पके रखे हैं तो खाने का मन तो करेगा ही। तो देख सकते हैं आप, काफल तो पक गए हैं, लेकिन इस पेड़ पर सबसे जल्दी पक जाते हैं, औरों पर तो लेट में पकते, वैसे कि मई लास्ट में काफल पूरी तरह से पक जाएंगे। कल परसों बारिश से काफल पर बहुत असर पड़ा है, तो पहले काफल एकदम सूखे हुए थे, तो इस समय काफल कुछ इस प्रकार हैं, हल्का बहुत फूले हुए भी हैं। और काफल जैसे लग रहे, जैसे परसों हो रखे थे वैसे नहीं हो रखे थे। तो ये रहे काफल, और मेरी बहन गई है वो पेड़ में, यहाँ से दिखाई नहीं दे रही। ये रहा काफल का पेड़, अरे काफल खाने वाले काफी, और तो सुबह सुबह पेड़ में जा रही, अगर घास काटने को बोलते तो कभी नहीं जाती, और काफल खाने को सबसे पहले मुझसे पहले यही पेड़ में गई। और ये रही काफल, ले यहाँ पे काफल का एक एक दाना मुंह में रख के स्वाद लिया जा रहा है उसका। और मैंने कब का दे दिया था, करीबन के 5 से 10 मिनट हो गए मैंने काफल दिए हुए, और अभी भी रास्ते भर लगे हुए हैं एक एक दाना चूसने पे, उसका पूरा खून चूस गया उन्होंने, तो लगे हैं ये शख्स अभी भी। कन के खाने का दिखो बोल जरा, एक एक दाना मुँह में रख के। उनका कटा है वो ऊपर से ला गया, हम वहाँ पर बैंड पर रखा था तो वहाँ से हम लागे। और अभी हमने इतनी बड़ी उकाल तरनी, मैंने उकाल जानी है यहाँ से वहाँ और फिर वहाँ से वहाँ, तो वो रहा हमारा गांव, वहाँ जाना है हमने। और जो साथ में है वो यहाँ पर ही पोज देने वाली। आज सामान लेने इसलिए गए थे क्योंकि धूप नहीं लगी थी, और हमें धूप को ये पसंद नहीं आया, तो धूप लग गई है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही। तो पीछे से मेरे साथ जो आ रही थी वो ये रही। फिलहाल हमें जल्दी जाना होगा घर, और उसके बाद मेरी बारी है आज बकरियों के साथ जाने की, तो मैं जाऊँगा बकरियों के साथ। हमने अपने गांव की चढ़ाई पार करके थोड़ा देर यहाँ पे आराम कर रहे हैं, तो अब मैंने यहाँ पे पहुँचने में करीबन 2-3 मिनट हो गए, तो पसीना भी काफ़ी ज़्यादा आ गया और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। यहाँ से फिर जाना है हमें अब सीधा रास्ता घर की तरफ। और एक ही है, इनको बोलना है क्या, नाम के दोस्त हैं काम के नहीं, बस चलते जाओ। घर पहुँचने के बाद खाना खुना खा लिया, और अब बारी है बकरे के साथ जाने के। पापा आज गए नई जगह काम पर, ये राज लोगों के मकान बन गए, उनके यहाँ काम पर गए। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसे शख्स भी हैं, माने जिस दिन स्कूल रहेगी उसी दिन मुंह धोया जाएगा, और दिन मुंह नहीं धोया जाएगा। तो आज माने कि इतनी बातें सुनाने के बाद मुंह धोया जा रहा है, तो वैसे पता है मेरे को मुंह तो दिखाया नहीं उसने। अभी हम पहुंच गए हैं गौशाला में, और बकरे को अंदर डाल के आज बच्चों को इस समय दूध नहीं पिलाए, उनको बाहर नहीं पिलाएंगे। फिलहाल गौशाला में तो मम्मी आई है घास लेके, और अभी थोड़ा मेरे को डांट लेगी। के 5 बज गए हैं, और अभी तक भयंकर बारिश लगी हुई थी, मैं अंदर ही सोया हुआ था, लेकिन जब बाहर आया तो बारिश बंद हो गई थी क्योंकि नींद बड़ी प्यारी है मुझे। तो अभी इस समय ये रहा यहाँ का कुछ नज़ारा इस तरह का। तो आसमान पूरा ख़राब है, उस साइड से तो हल्का बारिश लगी हुई है, लेकिन आज बकरी अंदर ही रहेगी। बकरे के बच्चों को ले जाऊँगा मैं दूध पिलाने, और दूध पिला के फिर लाएंगे घर। फिलहाल तुम चलते हैं नीचे चाय पीने। 5:30 बजे मैं बकरे को खुला आधा घंटे के लिए, तो ये डिसाइड किया कि एक बार बकरे को खुले दो क्योंकि उनको आदत पड़ गई है शाम को एक बार बाहर खोलने की। तो अभी मैं गौशाली चलता हूँ और उनको खोल के और बकरी के बच्चों को बाद में पिलाऊंगा जब घर आऊँगा, तो उन्हें टीन सेट के अंदर या बाहरी में पिलाऊंगा, लेकिन पहले मैं बकरे को खोल देता हूँ। टाइम करीबन 6:30 हो गए हैं, और धीरे धीरे अंधेरा भी होने लग गया है। तो मौसम का वही हाल है, आप देख सकते हैं अभी मतलब कि मौसम ख़राब है। तो यहाँ आ रखा है नीरज, नीरज उधर फ़ोन पर लगा हुआ है, और वहाँ नीचे बैठा है राज। तो आ गया है हमारे साथ नीरज, तो नीरज यहाँ पर बैठा है,
फ़ोन पर लगा हुआ है। तो अभी आया वो, अभी नहीं वो पहले आ गया था लेकिन वो फ़ोन पर लगा हुआ था, वो शायद वीडियो बना रहा है या क्या कुछ। तो नीरज भाई ने क्या बोला आपके समझ में तो आ ही गया होगा, तो वो भी ब्लॉग बनाते हैं। तो अब चलते हैं हम घर की ओर। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो यहीं तक थी, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।